सीटों में से 199 पर मतदान हुआ। बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं अगर कुल मतदान की बात करें तो राजस्थान में शाम 5 बजे तक कुल 68.24% मतदान हुआ। अलवर ग्रामीण में 68.08% जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। टोंक में 68.8% लोगों ने मतदान किया। जैसलमेर में 76.57, जोधपुर में 64.10%, भरतपुर में सरस्वती पूजा से मिलेगा महालाभ। कैसे महा उपाय बदलेंगे भाग्य, जानने के लिए देखिए कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, कल है कार्तिक पूर्णिमा, कल से आपकी किस्मत बदल सकती है, कल से आपकी दरिद्रता दूर हो सकती है, कल से आपकी वो तमाम तकलीफें खत्म हो सकती हैं जिन्होंने इस साल आपको परेशान किया हुआ है। कल कार्तिक पूर्णिमा पर राशि अनुसार एक खास स्नान, एक खास दीपदान और एक महा उपाय से आप मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए आज का कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र। इसके अलावा अगर आपके भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें, हमारा नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। नवंबर 2023 दिन रविवार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 3:53 तक है, इसके बाद पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र दोपहर 2:05 तक, इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। परिध योग रात 1:37 तक, इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज देव दिवाली है, आज रवि योग बना हुआ है और आज के इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे रविवार है तो राहु काल रहेगा शाम 4:30 से 6 तक, यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:08 से 1:27 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 2:46 से 4:05 तक। तो इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल ना करें और हो सके तो पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल कार्तिक पूर्णिमा है, तो सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा को क्यों खास माना जाता है, साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर आपको क्या खास करना चाहिए। पंडित जी बताएं जरा कार्तिक पूर्णिमा की खासियत। देखिए, पूरे कार्तिक के महीने को अगर आप देखेंगे तो कार्तिक के पूरे महीने में कृष्ण पक्ष से ही, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस हो जाती है जो धन्वंतरी जयंती के नाम से मनाई जाती है, जिस दिन कुबेर की पूजा और लक्ष्मी की पूजा का विधान है, घर में धन धान्य वृद्धि का विधान है, जिस दिन घर में कोई खरीद कर लाया हुआ सामान वो लक्ष्मी का स्वरूप बन जाता है। उसके बाद दूसरे दिन नरक चतुर्दशी होती है, जिस दिन हम यम के लिए दीप दान करके अपने परिवार को अकाल मृत्यु से बचाने की कामना करते हैं। तीसरे दिन फिर दिवाली हो जाती है, दिवाली के दिन प्रदोष काल में और सिंह लग्न में पूजा करके घर की दुख दरिद्रता को सदा सर्वदा को समाप्त किया जाता है। उसके दूसरे दिन अन्नकूट हो जाता है, गोवर्धन पूजा होती है और गोवर्धन का भगवान श्री कृष्ण ने पूजन करके बहुत महात्म बढ़ाया था, द्रोण पर्वत के यहाँ प्रकट हुए थे गिरिराज, और गिरिराज को पुलस्त जो रावण के आजा थे वो मतलब कि जो है अपने तेज से लेकर के और वो काशी जाना चाहते थे, लेकिन स्थिति ये बनी कि गिरिराज जो है वृंदावन छोड़ना नहीं चाहते थे, उन्हें कृष्ण का सानिध्य चाहिए था, गोपी गोपियों का स्नेह चाहिए था, इसलिए दोनों में आपस में शर्त हो गई कि यदि आप मुझे जहाँ रख देंगे वहाँ से फिर मैं उठूँगा नहीं। तो गिरिराज वहीं पधार गए गोवर्धन में। तो कहने का मतलब, अब उसके बाद में भाई दूज आती है जिसमें मतलब कि भाई बहन के घर भोजन कर ले तो अजर अमर हो जाता है, उसको अकाल मृत्यु छू नहीं सकती है। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो मतलब कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी आ जाती है, जिस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु सो करके उठ जाते हैं और तुलसी का विवाह होता है, पूरे देश में धूमधाम से तुलसी विवाह मनाया जाता है।
और उसके बाद आज देव दिवाली है और कल लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के पूजा का विशेष दिन है। अच्छा, भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि प्रधान देश होने से कार्तिक के महीने तक गेहूं की बुआई होती है, रबी के फसलों की बुआई होती है, तो किसान खेतों में हल चलाते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो उनसे नाना प्रकार के जीव जंतु छोटे बड़े अनजाने में मर जाते हैं, तो इन सब पापों का प्रायश्चित करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा जल में स्नान कर लेते हैं और कहते हैं कि गंगा सब पापों का क्षरण करती है। जब राजा सगर के पुत्रों का उद्धार हो सकता है कपिल मुनि के आश्रम में गंगा के जल के द्वारा, तो गंगा में स्नान करने से भला किसका कल्याण नहीं होगा, सबका कल्याण होगा। इसी भक्तिभाव के साथ लोग कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा का महात्म्य यही है। कल सुबह जल्दी उठ करके सबको स्नान करना है, ये मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। कल सूर्योदय से पहले पहले स्नान करना है। अगर नदी में जाकर स्नान कर रहे हैं किसी पवित्र में तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी पवित्र नदी में नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही पानी में गंगा जल मिला करके और हर हर गंगे कहते हुए स्नान करिएगा, और स्नान के बाद साफ सुथरा कपड़ा पहनिएगा और सबसे पहला काम करिएगा सूर्य को अर्घ दीजिएगा। तीन बार बोलिएगा, ओम ब्रह्मा स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्मा स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और सूर्य को अर्घ देने के बाद तुलसी के पौधे के जड़ में थोड़ा सा गाय का दूध अर्पित करिएगा और पानी अर्पित करिएगा, दीपक जलाइएगा, आरती करिएगा, और अपने घर के ईशान कोण में उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी पर पीला सूती कपड़ा बिछा करके उसको कलावे से चारों तरफ बांध दीजिएगा और चारों तरफ केले के पत्ते लगा दीजिएगा। केले के पत्ते 5 लगाइएगा, इस तरह से कोई एक मंडप का आकार बन जाए, और चौकी के ऊपर थोड़ा सा रंगा हुआ चावल रख करके या अष्टदल कमल बना करके उस पर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर प्रतिमा नहीं है तो चित्र स्थापित कर दीजिएगा, और उन्हें गंगा जल से, अगर चित्र है तो गंगा जल फूल से छिड़क दीजिएगा, और अगर प्रतिमा है तो गंगा जल से अभिषेक कर दीजिएगा। अगर धातु की प्रतिमा है तो, मिट्टी की प्रतिमा है तो ऐसा मत करिएगा। तो देव प्रतिमा के सामने अक्षत के ढेरी पर एक कलश की स्थापना करिएगा, जो कलश का विधान होता है। कलश पर मौली बांधिएगा, कलश में गंगा जल डालिएगा, सुपारी डालिएगा, कुशा डालिएगा, सिक्का डालिएगा, हल्दी डालिएगा, कुमकुम डालिएगा, ये सारी वस्तुएं कलश में स्थापित करके कलश की प्रार्थना करिएगा। और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को लगाए जाने वाले भोग में जो भी आप पदार्थ भोग में प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालिएगा, और पूरे दिन बस एक ही काम करना है, चाहे जो करते रहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र हर समय आपके मन में चलता रहे। जानते हैं भगवान क्या कहते हैं, पूछ विप्र अघ लागहि जाहि, शरण गहे तजहु नहि ताहि। एक करोड़ ब्राह्मणों की हत्या का जिसको दोष लगा हो, अगर वो भी मेरे शरणागत हो जाए तो मैं उसका भी त्याग नहीं करता हूँ, ऐसा भगवान श्री राम का कथन है, जो विष्णु अवतार ही हैं। और यही कहते हैं भगवान कृष्ण गीता में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम् प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ध्यान से सुनो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो मेरी शरण में आ जाता है वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, और शाश्वत शांति निगच्छति, मैं उसे शाश्वत शांति देता हूँ। कौन तेयम, हे कुंती पुत्र अर्जुन, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, ये बात है। और फिर भगवान एक बात कहते हैं, अनन्यांश्चिन्तयन्तो मा ये जना परुपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम महाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मुझे स्मरण करता है और अनन्य भाव से जो मुझे पूजता है, मैं उसके योगक्षेम की भी रक्षा करता हूँ। जो उसके पास है उसकी भी रक्षा करता हूँ, जो उसके पास नहीं है उसकी भी व्यवस्था करता हूँ। और भगवान राम भी कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो भाई कल तो उन्हीं के आराधना का दिन है, लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए, पूरे दिन धर्ममय होकर के, तन्मय होकर के, अपने दरिद्रता को, रोग को, शोक को निवारण करने के लिए प्रभु के शरण में प्रार्थना करिए, निश्चित रूप से आपकी ये बातें सुनी जाएंगी। घी का दिया जलाइए,
कार्तिक पूर्णिमा की कथा की किताब आती है, उसको पढ़ लीजिए और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करिए। शाम के समय चंद्रमा को जल कच्चे दूध से अर्घ देने की भी कोशिश करिए। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, से पहले कि हम राशि अनुसार चर्चा करें, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है और ये आध्यात्मिक दृष्टि से मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि जैसे कहा जाता है कि गंगा में स्नान कर लीजिए पाप धुल जाएंगे, अब कल कार्तिक स्नान है, कार्तिक पूर्णिमा है, तो दूसरी तरफ हमारे धर्म में ये भी कहा जाता है कि आपने जो कर्म किया है उसको आपको भोगना पड़ेगा, तो एक स्नान से पाप कैसे कट जाएंगे? जब तक आपने किसी को पीड़ा दी है तब तक आप खुद वो पीड़ा ना झेलें, तो इसे स्पष्ट करें। देखो, ऐसा है 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियाँ ऐसी हैं जो प्रारब्ध के वशीभूत हैं। एक योनि मनुष्य योनि ऐसी है जो प्रारब्ध के वशीभूत नहीं है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों गुण सभी जीवों में पाए जाते हैं, मनुष्य से लेकर के पशु पक्षी तक। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, लेकिन मनुष्य के अंदर एक चीज़ विशिष्ट है, वो है बुद्धि और विवेक। तो प्रारब्ध जो हमारा है वो है, लेकिन जब हम भजन कीर्तन करने लगते हैं, साधु संग कर लेते हैं, गुरु वाणी पर अमल कर लेते हैं और सहज सुख राशि प्रभु का ध्यान कर लेते हैं, तो तत्काल हमारे प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। गीता में वेदव्यास लिखते हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव संति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। पूर्व जन्म का कर्म जो है मिनट में समाप्त होता है। अगर प्रारब्ध अच्छा आपका नहीं है और आप तप कर रहे हैं, विवेक से काम क्रोध मोह लोभ को त्याग कर और काम क्रोध मोह लोभ से अपने मन को हटा करके भगवान की शरणागति में ले जा रहे हैं या नाम जप आप कर रहे हैं, तो सिर्फ नाम जप की ये महिमा है कि आपके साथ, एक बात। दूसरी बात, कष्ट किसको होगा? कष्ट इस शरीर को होगा ना, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अरे मैं उस अविनाशी का बच्चा हूँ जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है। ये शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगी, इसको भोग मिले चाहे शोक मिले मुझे क्या फर्क पड़ता है। बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध, उनके शरीर पर कष्ट आया लेकिन उन्होंने अपने तेज से, अपने योग से अपने कष्ट को खत्म नहीं किया, उन्होंने भोग को भोगा ताकि आगे भोग ना भोगना पड़े। लेकिन जो छोटे छोटे प्रारब्ध हैं, जो अशुभ कर्म हमसे हुए हैं, जिसके निमित्त हम गंगा स्नान करते हैं, गंगा में वह तारणा शक्ति है, उन सभी पापों के मल को वो नष्ट कर देती हैं। और इसके बाद एक बात और सुन लो, जो भागवत में लिखा हुआ है, तीर्थी करोति तीर्थानि, तीर्थ को भी तीर्थ अगर कोई बनाता है तो वो बनाता है वैष्णव भक्त, कोई वैष्णव भक्त बनाता है। जब भगीरथ ने, जब यही गंगा जी ने पूछा भगीरथ से कि जब मेरे अंदर सब पूरी दुनिया पाप धोएगी तो मैं तो एकदम पाप से कलुषित हो जाऊंगी, तो मेरा उद्धार कौन करेगा? भगीरथ ने कहा कि जब कोई विष्णु भक्त, जब कोई राम कृष्ण का उपासक सच्चे मन से उनकी आराधना करने वाला अपने पैर का अंगूठा तुम्हारे गंगा जल में स्पर्श करा देगा, तुरंत तुम्हारी सारी कालिमा समाप्त हो जाएगी और तुम्हारी पुण्य शक्ति पुनः उदय हो जाएगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं, सातव मोहिसम मय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। अरे मुझे तो जानो ही, लेकिन मुझसे ज़्यादा मेरे भक्तों को जानो। कोई वैष्णव अपराध न हो जाए, कोई दोष दर्शन न हो जाए, किसी साधु संत के खिलाफ हमारी अशुभ टिप्पणी न हो जाए। ये प्रारब्ध कुछ नहीं, प्रारब्ध मनुष्यों के लिए नहीं है, प्रारब्ध पशु पक्षी के लिए है। उसमें भी उत्तम प्रारब्ध और अधम प्रारब्ध है। जैसे कुत्ता एक पैदा होता है, इस दरवाजे उस दरवाजे डंडा खाता है, अब एक कुत्ता पैदा होता है वो सुंदर स्त्री के गोद में रहता है और एयर कंडीशन गाड़ियों में चलता है और एसी कमरे में सोता है, उसकी सारी व्यवस्था है। तो उनमें भी शुभ और अशुभ कर्मों का प्रारब्ध है, लेकिन वो प्रारब्ध को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य प्रारब्ध को बदल सकते हैं। तभी तो मार्कंडेय ऋषि की 5 साल की आयु को 10,000 वर्ष की आयु में बदल दिया गया, सावित्री ने सत्यवान को यमराज से वापस ले लिया। प्रारब्ध को बदलने की क्षमता तो है ना हमारे यहाँ, तो प्रारब्ध को बदलने की क्षमता है, इसलिए प्रारब्ध बदलता है। बिल्कुल, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ पंडित जी ये कह रहे हैं
कि आप अपने मन को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित कर दीजिए। अगर ये निश्चिल हो गया, अगर ये पवित्र हो गया, भक्ति में लीन हो गया, तब आपके पाप मिट जाएंगे। लेकिन आपने आज स्नान किया और कल आपने कोई गलत काम कर दिया तो इस स्नान का कोई फायदा नहीं मिलेगा। विवेक से आप, दृष्टिकोण से आप निर्णय लीजिए। ठीक है, सही बात तो यह है, मन एवं मनुष्याणाम कारणबंध मोक्ष, मन एवं मनुष्याणाम कारणबंध मोक्ष, मन ही मनुष्य का बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। धर्म की परिभाषा रवि बहुत विशद है। एक आदमी एक व्यक्ति की हत्या कर देता है तो पूरे जन्म उसके ऊपर हत्या का दोष लगता है, लेकिन एक जज 5 लोगों को सामूहिक फांसी की सजा का विधान करता है तो क्या जज को वो हत्या का दोष लगता है? नहीं। और सेना पर खड़ा हमारा सैनिक 50 लोगों को एक बार में शूट कर देता है तो क्या उसे हत्या का दोष लगता है? धर्म की बड़ी व्यापक परिभाषा है। जहाँ हमारे यहाँ ये कहा गया है कि चींटी को मारना भी पाप है, अहिंसा परमो धर्म, वहीं भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है मार मार मार, तुझे मारना पड़ेगा, तू छात्र धर्म का पालन कर, तू असोच करने वाली बातों का सोच मत कर, ये सब मरण धर्म है, ये सब मारे जा चुके हैं, तू निमित्त मात्र बन, निमित्त मात्रम भव सभ्यसाचिना, उठा अपनी गांडीव, मार इन लोगों को, मार। वहाँ मारना भी धर्म है। तो धर्म की बहुत व्यापक मामले में परिभाषा है, धर्म को एक परिभाषा से नहीं जोड़ा जा सकता। और उसके लिए हमें समझना होगा कि हमारा विवेक किस तरह से काम करता है। देखिए, हमारा विवेक कुछ काम नहीं करता है, हमारा विवेक है ही नहीं है। हमारा विवेक तब तक नहीं काम करता है जब तक हम किसी गुरुजन के कृपा में सराबोर न हों या भगवान की कृपा के ऊपर अपने तन मन धन को समर्पित न किए हों, तब तक हमारा विवेक कुछ है ही नहीं है। इंद्रियों से जुड़ा ये मन बहुत ही चंचल है और पता नहीं कब उठा के पटक देगा, आप समझ रहे हैं ना। एक संत जी गंगा स्नान करके रोज रास्ते में जाते थे तो उनसे एक वेश्या पूछती थी, बाबा जी आपकी दाढ़ी अच्छी कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी? कुछ नहीं बोलते थे बेचारे, सीधे अपने आश्रम चले जाते थे। जब बाबा जी का समय आ गया कि 10 मिनट में अब हमारी शरीर छूट जाएगी तो उन्होंने उसको बुलवाया, ए तू रोज पूछती थी ना तेरी दाढ़ी अच्छी कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी? कहन हाँ, कहन मेरी दाढ़ी अच्छी। कहन आपने इसका जवाब देने में 20 साल लगा दिया? कहन मन पर भरोसा नहीं था कि कब मुझे पटक देगा, और अब मैं जा रहा हूँ, मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए तुझे बता रहा हूँ मेरी दाढ़ी अच्छी। तो मन जो है ये कब विषयों की तरफ खींच करके और पटक देगा, कब पतित कर देगा, ये कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हर समय प्रभु का नाम स्मरण, प्रभु का संकीर्तन और अपने गुरु का बल होना चाहिए। अहम भाव जो है हमारे अंदर का वो मिटना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब अपनी राशि अनुसार चर्चा को शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। कल कार्तिक पूर्णिमा पर मेष राशि वाले क्या करें उपाय और दान जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर बरसे, आइए जानते हैं। कल कार्तिक पूर्णिमा पर मेष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि एकदम सुबह स्नान करिए और उगते हुए सूर्य को जल दीजिए, 3 बार बोलिए ओम ब्रह्मा स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, और थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल दूध में धो करके जहाँ मछलियाँ रहती हों वहीं डाल दीजिए, और कल किसी शिवालय में जा करके विधिवत भगवान शिव का पूजन अभिषेक करिए, और हो सके तो नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये शिवाष्टक जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है इसका पाठ कर लीजिए, और रात्रि में चंद्रमा को कच्चे दूध में सफ़ेद फूल डालकर और थोड़ी सी हल्दी डालकर अर्घ दीजिए। मेष राशि के कल जातक लाल चंदन, गुड़ या गेहूं का दान जरूर करें। कल कार्तिक पूर्णिमा पर आलस्य और दूसरों की निंदा का त्याग जरूर करें। देखिए, दूसरों की निंदा तो कभी नहीं करना चाहिए, क्या कार्तिक पूर्णिमा क्या 365 दिन। परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा और पर निंदा सम अघनगरीसा, दूसरे की निंदा से बढ़ करके कोई पाप हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमें हर समय ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर कि हमारे द्वारा किसी की निंदा तो नहीं हो रही है। निंदा से और दोष दर्शन से बचना चाहिए, तभी प्रभु की शरणागति हो सकती है, वरना दोष बुद्धि जब तक आपके अंदर रहेगी तब तक प्रभु की शरणागति नहीं होगी। कल हल्दी पानी में घोलकर अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कार्तिक पूर्णिमा से
नया काम शुरू कर सकते हैं, निवेश करना फायदेमंद होगा। अष्टलक्ष्मी की स्थापना अपने घर में करें, कमल का फूल खोलकर उनके श्री चरणों में अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। कल कार्तिक पूर्णिमा पर वृषभ राशि वाले क्या करें उपाय और दान, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर भी बरसेगी, आइए जानते हैं। देखिए, कल कार्तिक पूर्णिमा पर वृषभ राशि के जातकों से कहना चाहूंगा, एकदम सूर्योदय से पहले उठ जाइए और आज से ही तैयारी बनाइए कल के पूजन का, और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। अगर सफ़ेद वस्त्र धारण करें तो सबसे उत्तम है, ठीक है। और दही, गाय के घी की व्यवस्था आज ही कर लीजिएगा। कल आपको किसी विष्णु मंदिर में दही और घी का दान करना है, और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, जिसे आप समझते हो कि ये मतलब कि थोड़ा सा परिस्थिति से कमज़ोर है, ऐसे व्यक्ति को 2-5 किलो चावल, घी, दही या सफ़ेद कोई वस्तु आप दान कर दीजिएगा। और गंगा जल पानी में मिलाकर स्वयं स्नान करिएगा पूरब की तरफ मुंह करके, और बोलिएगा, हर हर गंगे, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव शिव शंभो। विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर लीजिएगा और भगवान विष्णु के नामों का जप कर लीजिएगा, और पीपल के पेड़ की पूजा करिएगा। पीपल के पेड़ में कच्चा दूध पानी मिला करके अर्पित करिएगा। तो निसंदेह ये सब ऐसे उपाय हैं। अच्छा हाँ, कार्तिक पूर्णिमा से अब ठंड भी शुरू हो रही है, तो गर्म कपड़े ज़रूरतमंद लोगों में दान कर दीजिएगा। साधु संन्यासियों को कंबल दान कर दीजिएगा, ऐसे में माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी, धन और ऐश्वर्य की वृद्धि भी होगी। कार्तिक पूर्णिमा पर आर्थिक कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए, लापरवाही से बचना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को पान के बीड़े में लौंग की कली चुभो करके उसे किसी प्लेट में रख करके समर्पित करना चाहिए। ओम जद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वतः वसंतो श्यासी दाज्य ग्रीष्म युद्धम शरद्धवी मुख शुद्ध्यर्थम तांबूल पुंगी फलम समर्पयामी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की। कल कार्तिक पूर्णिमा पर मिथुन राशि वाले क्या करें उपाय और दान, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर भी बरसे, आइए जानते हैं पंडित जी से। कार्तिक पूर्णिमा पर कल मिथुन राशि के जातक प्रातः स्नान कर लें भैया, और स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य की पूजा कर लें, और दूध, हरा कपड़ा, कपूर, चावल ये किसी योग्य पात्र को दान कर दें। किसी ब्राह्मण जोड़े को अपने घर बुला करके भोजन कराएं अगर ये संभव हो तो। गंगा स्तुति करने से भी लाभ मिलेगा, कल गंगा की पूजन से भी लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वाले कल पानी में हल्दी मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। कार्तिक पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, हनुमान जी की उपासना करें या हनुमान मंदिर जाएं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़े दान करें। कार्तिक पूर्णिमा से मिथुन राशि के जातकों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आने के संकेत बने हुए हैं। कल सप्तधान्य मिलाकर गौशाला में भी दान करें, इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर्क राशि की। कल कार्तिक पूर्णिमा पर कर्क राशि वाले क्या करें उपाय और दान, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर बरसे, पंडित जी। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस कार्तिक पूर्णिमा पर राहु बृहस्पति के साथ मेष राशि में स्थित है। कुल मिलाकर के अगर आपका ग्रह गोचर देखा जाए तो कहा जा सकता है कल आपको स्नान ध्यान के साथ साथ नेत्रहीन लोगों को भोजन कराना चाहिए, किसी अंध विद्यालय में आपको भोजन की व्यवस्था करानी चाहिए, शंख, चीनी और चावल का दान करना चाहिए, माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब के फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए और श्री यंत्र की विधिवत पूजा करनी चाहिए। कल आपको ध्यान भी करना चाहिए और क्रोध पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। कल बासी भोजन बिल्कुल स्पर्श ना करें और ना ही दान करें। कल शेयर बाजार या संपत्ति में निवेश करना आपके लिए शुभकारी होगा। कल कर्क राशि के जातक कार्तिक पूर्णिमा पर चांदी के कटोरे में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, संध्या के समय विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करें, इससे आपका भाग्योदय सुनिश्चित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल कार्तिक पूर्णिमा है, ऐसे में आपको भी
अपनी राशि अनुसार क्या दान करना है, क्या उपाय करने हैं और कैसे माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है, ये सब जानेंगे हम, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज प्राइम टाइम में चुनावी बेला किसका खेला की बात करेंगे, क्योंकि शानदार वोटिंग पैटर्न राजस्थान से निकलकर आज सामने आया। राजस्थान में बंपर मतदान हुआ है, भले शुरुआत धीमी रही लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही बड़ी तादाद में मतदाता घरों से निकले और सियासी दिग्गजों की भी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। इस बार चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राजस्थान में राज या रिवाज, जनता ने क्या बदला है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जनता फैसला कर चुकी है, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका विश्वास, हम जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है, मतदाता मानस बना चुके हैं। राजस्थान में बदलेगा राज या कायम रहेगा रिवाज? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार जो कि राजस्थान में बनने वाली है, हमारी गारंटी काम करेगी, मोदी की गारंटी फेल हो गई है। 5 करोड़ मतदाता, किसके भाग्य विधाता? पब्लिक का सेंटिमेंट है वो कांग्रेस के साथ है। अंडर करंट की बात कह रहे हैं कि अंडर करंट से सरकार रिपीट होगी। उनको करंट लगने वाला है 3 दिसंबर को। 2024 का सेमीफाइनल, फिर हाथ या खिलेगा कमर? पूरे प्रदेश में कांग्रेस के प्रति बहुत ही उत्साह है। राजस्थान की जनता चल रही है। सियासी घमासान, किसका राजस्थान? मरुधरा की धरती राजस्थान में जनता अपना जनादेश ईवीएम में लॉक कर चुकी है। जनता डिसाइड कर चुकी है कि इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस का राज लौटेगा या फिर कमल की वापसी होगी? मतदान के बाद अब नतीजे की चौखट पर खड़ा है राजस्थान, क्योंकि अब वोटिंग के बाद 3 दिसंबर को खुलेगा ईवीएम का ताला, जिसके बाद तय होगा कि नई सरकार बनेगी या फिर पुरानी सरकार सत्ता में बनी रहेगी। राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों में से 199 पर मतदान हुआ। बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं अगर कुल मतदान की बात करें तो राजस्थान में शाम 5 बजे तक कुल 68.24% मतदान हुआ। अलवर ग्रामीण में 68.08% जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। टोंक में 68.8% लोगों ने मतदान किया। जैसलमेर में 76.57%, जोधपुर में 64.10%, भरतपुर में 67.26% मतदाताओं ने वोट डालकर नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। राजस्थान में क्या रुझान है, वोट मीटर पर किसका पारा हाई है और किसकी शामत आई है, इन सब की डिटेल आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले राजस्थान के महारण में बात बीजेपी कांग्रेस की करते हैं, क्योंकि दोनों ही वोटिंग के ट्रेंड को देखकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 108-111 पर अपना वोट डाला। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार दोबारा आ रही। वहीं वसुंधरा राजे ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही और राजस्थान की जनता रिवाज को कायम रख रही। जनता फैसला कर चुकी है, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका विश्वास, हम जीत चुके हैं। अन्य कारण चल रहा है राजस्थान के अंदर, सरकार हमारी बनेगी। आप गारंटी की बात की, उन्होंने ध्रुवीकरण की बात की सर, जाति धर्म, उनका ध्रुवीकरण चलने वाला नहीं है, ध्रुवीकरण चला नहीं उनका, खूब कोशिश कर ली। मेरा आग्रह सबसे है, स्पेशली नव मतदाताओं से, कि वो लोकसभा आए, अपना जोरदार तरीके से अपना वोट कास्ट करें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं सब। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों ही सरकार बनाने और 150 से ज्यादा सीटों का दावा ठोक रहे हैं।
लेकिन इस बार के चुनाव में युवा और महिला वोटर्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस बार राजस्थान में 22 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। वहीं राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों को लग रहा है कि जनता ने उन्हीं के पक्ष में मतदान किया। टोंक विधानसभा सीट से प्रत्याशी कांग्रेसी नेता सचिन पायलट मतदान के दौरान बूथों पर लोगों से मिलते नजर आए। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लोग बेरोजगारी और महंगाई देख रहे हैं, लोग बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव करके रहेंगे। हम सरकार में हैं, हम लोगों ने काम किया है, हमारे पास कहने को दिखाने को बहुत कुछ है और देश में भी बदलाव हो रहा है। 10 साल से सरकार बीजेपी की दिल्ली में है तो वो क्या महंगाई के हाल हैं, क्या रोजगार के हाल हैं, सब देख रहे हैं। तो लोग ऊब भी जाते हैं, बदलाव भी चाहते हैं, तो सबका फायदा पार्टी को मिलेगा। मुझे लगता है बदल रहा है, तो मुझे तो लगता है बाकी तो जनता के हाथ में, लेकिन हमें जो फीडबैक है कि कार्यकर्ता और मतदाता कांग्रेस के प्रति सकारात्मक हैं और जो मतदान हो रहा है वो मुझे लग रहा है कांग्रेस के पक्ष में। रिवाज और राज बदलने को लेकर जो दावे किए जा रहे थे सर, अब आप मतदान कर चुके, क्या लग रहा है सर बीते 30 सालों में जो इंतजार करिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है, मतदाता मानस बना चुके। एक तरफ सचिन पायलट कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विद्याधर नगर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार दिया कुमारी ने अशोक गहलोत के रिवाज बदलने के बयान को बकवास बताया। साथ ही प्रदेश में बीजेपी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा भी किया। माहौल पर सिंह राशि वाले सोना तांबा गुड़ का दान किसी मंदिर में कर सकते हैं, पानी में देवदार के पेड़ की छाल डालकर स्नान कर सकते हैं, भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की पूजा जरूर करें, खीर बना करके माँ लक्ष्मी को चंद्रोदय के समय भोग लगाएं, कार्तिक पूर्णिमा पर छोटी छोटी बातों का बतंगड़ न बनाएं, उसे कलेश न करें, कार्तिक पूर्णिमा पर अपने सामने भगवद गीता रखकर कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, कार्तिक पूर्णिमा पर सिंह राशि के जातक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, कल किसी मंदिर में 11, 21 या 51 दीपों का दान करें। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि कल से आपकी किस्मत बदल जाए तो कल महालक्ष्मी के सामने और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आप अपनी शरणागति कर दीजिए। शरणागति कैसे करेंगे? हे प्रभु, मैं मन क्रम वचन से नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, नाथ सकल संपदा हमारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, मतलब मेरा सर्वस्व आपके श्री चरणों में है, आपके मेरे जीवन में घटित होने वाली किसी घटना पर मैं क्षोभ नहीं व्यक्त करूंगा और कोई अच्छी घटना पर भी मैं अहंकार नहीं करूंगा। अब मैं आपकी शरणागति में हूं, प्रभु आप मुझे स्वीकार करिए। अगर आप ये संकल्प दिन में 2 बार 3 बार 4 बार दोहराते रहें और अपने मन में ये बात आप ध्यान रखें कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर एक पोशाक है, इसके अंदर रहने वाला जो जीव है वो ईश्वर का अविनाशी अंश है, मैं वो अविनाशी का बच्चा हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर जो है ये 5 तत्वों से जो मिल करके बना है और मन बुद्धि अहंकार इसमें जुड़ गया है, तो ये शरीर 5 तत्वों में विलीन होने वाला है, ये मिट्टी का पुतला है, ये मल मूत्र की फैक्ट्री है, ये मतलब कि जो है, हाँ आप ये भी सोच सकते हैं, अभी हो सकता है अगला प्रश्न रवि का ये भी हो जाए कि गीता में तो भगवान ने कहा है इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ, तो महाराज मन को आप ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो जब भगवान मन है तो उसको कैसे ठीक करेंगे? नहीं, जैसे आदमी के 2 कार्य होते हैं, एक शुभ कर्म एक अशुभ कर्म, उसी तरह से हमारा मन जो है वो एक तो दुर्वासनाओं में लिप्त होता है और एक भागवतिक कर्मों में लिप्त होता है। जब तक वो काम क्रोध मोह लोभ से जुड़ा रहता है तब तक वो दुर्वासना युक्त होता है, तब तक उसको ठीक करने की ज़रूरत है, और जब वो भगवत भक्ति में और अपने सोहम के रूप में आ जाता है तब वो पूजनीय आदरणीय हो जाता है, तब वही मन आत्मतत्व के रूप में ईश्वर हो जाता है। तो इसलिए दुर्वासना युक्त मन जो है, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर से घिरा हुआ मन जो है, वो कभी पूजनीय नहीं हो सकता, उसे तो काबू में करना ही पड़ेगा। तो इन सब बातों का अगर ध्यान किया जाए कल से,
तो जिंदगी बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवास। तो कल कार्तिक पूर्णिमा पर कन्या राशि वालों को वो कौन से उपाय करने हैं जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा पर कन्या राशि वालों को ये सब सुझाव देना चाहूँगा कि आपके राशि में शुक्र की स्थिति है, ठीक है, शुक्र नीच राशि में है। आप कल खूब बढ़िया स्नान कर लीजिए, अपने देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए और अपने घर में जो मतलब कि भोजन बनाता है उससे आग्रह करिए कि कल की खीर रोज से अच्छी बननी चाहिए और कल की खीर में खूब पंचमेवे डालो और बढ़िया दूध की खीर बनाओ और खीर बनाकर जितनी कन्याएं आपको मिल जाएं, 1, 2, 5, 10 जितनी कन्याएं मिल जाएं, सबको अच्छा आसन बिछा करके पूरब मुँह करके बैठाइए, सबके माथे पर तिलक लगाकर और सबको कटोरी में खीर और चम्मच खीर कटोरी में रख करके चम्मच दे करके और सबको खीर खाने के लिए आग्रह करिए और उसके बाद कन्याएं जब खीर खा लें तो उन्हें कुछ दक्षिणा दीजिए, उसके बाद अपने घर से विदा करिए। चाहे जितना बड़ा आपका दरिद्र होगा और चाहे जितना बड़ा आपका दुर्भाग्य होगा, फिर ये काम करने के बाद तो आपके दरिद्र और दुर्भाग्य का पतन हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि साक्षात मार्कंडेय पुराण और साक्षात दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, संसार की समस्त कन्याओं में साक्षात दुर्गा विराजती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो मूर्ख महापापी कन्याओं का अपमान करता है, कन्याओं को हेय दृष्टि से देखता है, उसको अगर कुबेर भी आकर के सुखी करना चाहें, उसे स्वयं विष्णु आकर सुखी करना चाहें, वो सुखी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कन्या का अनादर करने वाला व्यक्ति कभी सुख चैन की जिंदगी नहीं जी सकता है, ये बात सनातन धर्म की अकाट्य बात है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। किताब और चादर का भी दान करिए, गंगा जल में पानी मिलाकर स्नान करिए, किसी गरीब महिला को भोजन कराइए, आम के पत्तों का तोरण अपने मुख्य द्वार पर लगाइए। कार्तिक पूर्णिमा पर तीखा मसालेदार भोजन खाने से बचिए, आटे का चूरमा बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाइए। कल घर या किसी मंदिर में तुलसी का पौधा अगर नहीं है तो लगाइए और शालिग्राम को तुलसी दल अर्पित करिए, बस जिंदगी बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। इससे पहले पंडित जी हम आगे बढ़ें, क्योंकि तुला राशि मेरी भी राशि है, उससे पहले एक प्रश्न, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर हैं गगन जी, उन्होंने सवाल लिखे और हर सवाल में लक्ष्मी माँ का जिक्र किया है, लेकिन एक सवाल ये भी तो आ सकता है कि जब भी त्यौहार होते हैं कि हम कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा हो, लक्ष्मी धन का प्रतीक है, सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है, माँ शक्ति पार्वती जो है वो शक्ति का प्रतीक है, तो क्या ये कलयुग का प्रभाव है कि हम सिर्फ धन की ही कृपा चाहते हैं, हम ज्ञान क्यों नहीं चाहते हैं, शक्ति क्यों नहीं चाहते हैं, धन की तरफ इतना आकर्षण क्यों है हर त्यौहार पे? ऐसा है, इसका उत्तर मैं आपके माध्यम से सभी को देना चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि नहि दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान कोई अभिशाप इस संसार में है ही नहीं। दरिद्रता और अभाव के जीवन से ज़्यादा इस संसार में कोई दुख नहीं है। बड़े बड़े भागवतिक संत सुदामा जैसे लोग जो कृष्ण के सखा थे, दरिद्रता जब भोग रहे थे तो क्या स्थिति थी, उसका वर्णन आता है। दरिद्रता से बड़ा कोई मतलब कि दुख है ही नहीं है संसार में, ठीक है। इसलिए केवल हम मनुष्य नहीं, इंद्र के यहाँ से जब रूठ करके लक्ष्मी चली गई थी तो इंद्र को भी 10 लाख ब्रह्मा से 10 लाख पाए हुए मंत्र को, 10 लाख मंत्र का जप करके इंद्र को पुरहन लक्ष्मी को प्रसन्न करना पड़ा था। स्वर्ग में भी सुख का अभाव हो जाता है अगर लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष न हो। यहाँ तक कि अगर भगवान विष्णु से नाखुश होकर के लक्ष्मी एक मिनट के लिए इधर उधर हो जाएं तो उनका भी श्री कम होने लगता है। तो थोड़ा सा पंडित जी सुनिए ना, जहाँ तक ज्ञान की बात है, ज्ञान सरस्वती से जुड़ा हुआ है। जब आप पैदा हुए तो आपने 4 बार कहा कहाँ 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 कहाँ, और आपके मुंह के पास रुई फाये में ले गई तो आपने ऐसे करने लगे। आपको किसने सिखाया था पेट में दूध पी लेना? ये सरस्वती का ज्ञान तो जन्म जन्मांतर से आपके दिमाग में है ही है, किसी को पढ़ाया नहीं जाता है कि एक काम अच्छा है एक काम बुरा है,
लेकिन कोई आदमी जब बुरा काम करने चलता है तो उसके अंदर से आवाज आती है कि काम बंद करो, ये गलत है, ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता है कि ये काम बुरा है ये काम अच्छा है। उसका हृदय अंदर से कहता है ये काम अच्छा है ये काम बुरा है, इसको करो इसको ना करो, ये स्वतः और हर व्यक्ति के जीवन में है, पढ़ा लिखा हो तो भी ना पढ़ा लिखा हो तो भी। लेकिन पंडित जी शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि धन हमारी भौतिक चीजों को कमियों को दूर कर सकता है, लेकिन ज्ञान जो हमारे दुख हैं जो उनको दूर कर सकता है। ऐसा है, ठीक है, आप जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो ज्ञान दो प्रकार का है। एक ज्ञान तो वो है जिससे मतलब कि जो है द्रव्य उपार्जन किया जाता है, मातु पिता बालकन बोलाई उदर भराई सोई धर्म सिखाई। माँ बाप अपने बच्चे को बुलाकर कहते हैं बेटा खूब बढ़िया पढ़ो लिखो, बड़े अधिकारी बनो और अपनी जिंदगी चलाओ अच्छे से। ये नहीं कहते कि बेटा भगवान का नाम लेना, भगवान की पूजा पाठ करना, गरीब दुखियों की मदद करना, संसार की सेवा करना, ये कोई माई बाप नहीं कहता है। मातु पिता बालकन बोलाई उदर भराई सोई धर्म सिखाई। तो एक सरस्वती का महत्व तो यहाँ है, एक सरस्वती का महत्व यहाँ है। और सरस्वती माने ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, ये दो बार ही दो लोगों के ऊपर मतलब कि प्रसन्न हुई हैं और दोनों लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। एक तो ये कुंभकर्ण के ऊपर आई थी देवताओं की प्रार्थना से, तुम कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मैं एक दिन जागूं और 6 महीने सोऊं, समझ रहे हैं ना, कुंभकर्ण के दिमाग पर चढ़ी थी, तब वो 6 महीने सोने लगा एक दिन जागने लगा। और दूसरा जब देवताओं ने बहुत आग्रह किया कि तुम जाओ जो है मंथरा के ऊपर हो जाओ, तो उसने कहा ना 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 यहाँ तो राम को बदगबन हो जाएगा, इतना गलत काम में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन देवता लोग फैल गए कि जाना ही पड़ेगा, तो मंथरा के ऊपर आ गई और मंथरा के ऊपर आकर के कैकेयी को जिस तरह से सिखाया पढ़ा उसका जो परिणाम मंथरा को भोगना पड़ा, जो उनकी कुबर की कुटाई हुई उसे भी आप जानते हैं। तो सरस्वती का एकदम से प्रकट हो जाना, उनका आशीर्वाद और छाया ही अच्छी है, और वो अगर प्रकट हो गई तो ये कब ठीक बात है। इसलिए लक्ष्मी की श्री, हर आदमी अपने नाम के आगे श्री बांध क्यों लगाना चाहता है, क्योंकि श्री वही है, लक्ष्मी है, और बिना उनके यज्ञ नहीं हो सकती, बिना उनके देवताओं की उपासना नहीं हो सकती। हविषान और कव्य ये दोनों पैसे से ही तो प्राप्त किए जाते हैं, तो इसलिए लक्ष्मी की उपासना तो आवश्यक है, इसलिए लक्ष्मी की प्रधानता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि सरस्वती की प्रधानता नहीं, संतुलन बना रहे, संतुलन बना रहे दोनों के बीच। चलिए कल कार्तिक पूर्णिमा पर तुला राशि वाले अब कौन से उपाय करें, क्या दान दें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं पंडित जी से। भाई तुला राशि के जातकों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए अब स्थिति ये है कि आपके द्वितीय भाव में बुध मंगल और सूर्य हैं, तो इस कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह सुबह उठ जाइएगा ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान कर लीजिएगा, और स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देने के बाद मंदिर में दूध दान कर दीजिएगा, चावल और शुद्ध घी का दान कर दीजिएगा, किसी एक कन्या को कम से कम अपने घर में सात्विक भोजन कराइएगा, आपके घर की ही कन्या हो उसी को आप स्नान करा करके पूरब मुंह बैठा करके उसको भोजन कराइए, जब तक वो भोजन करे तब तक वहाँ आप हाथ जोड़कर खड़े रहें, घर में कौड़ियाँ लाकर उसे अपने तिजोरी में रख लीजिएगा और शिवलिंग पर शहद कच्चा दूध और बेलपत्र अर्पित करिएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर 11 साबुत चावल लक्ष्मी मंत्रों का जप करते हुए माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर तुला राशि वालों को कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल भगवान विष्णु को पीला वस्त्र और माँ लक्ष्मी को लाल रंग का वस्त्र धारण कराइएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और राशियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर क्या दान करने से कौन से उपाय करने हैं वृश्चिक राशि वालों को, उनके जीवन में सुख संपन्नता बनी रहे। पंडित जी देखिए वृश्चिक राशि के जातकों से कहना चाहूँगा, वृश्चिक राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि आपके राशि में सूर्य मंगल बुध की युति है, ये कार्तिक पूर्णिमा आपके लिए कुछ खास होने वाली है, ठीक है। इसमें क्या खास होने वाला है, एक तो आप प्रातः उठ करके स्नान कर लीजिएगा, आलस्य बिल्कुल मत करिएगा और स्वच्छ कपड़े पहनिएगा, ठीक है, और हो सके तो नीले काले कपड़े मत पहनिएगा। और उसके बाद में सूर्य को अर्घ दीजिएगा, अपने पूजा स्थान में बैठ कर पूजा करिएगा, और छोटी कन्याओं को अगर आप दूध दान कर सकते हैं, तिल का तेल दान कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को कंबल दान कर सकते हैं,
किसी सुयोग्य व्यक्ति को चांदी दान कर सकते हैं तो ये आपके भाग्योदय के लिए सहायक होगा। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, चंद्रमा को कच्चा दूध और अक्षत मिला करके अर्पित करिए। कल कार्तिक पूर्णिमा पर किसी भी तरह के नशा और तामसिक भोजन से बिल्कुल दूरी बनाइए। कल अपने घर में भगवद गीता के किसी भी एक अध्याय का पाठ कर लीजिए, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कल कार्तिक पूर्णिमा पर धनु राशि वालों को वो कौन से उपाय करने हैं जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। देखिए धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति है जो इस समय मेष राशि में गोचर कर रहा है, आपकी राशि पर जिसकी पूर्ण दृष्टि है। भाई ये कार्तिक पूर्णिमा आपके लिए कुछ विशेष लेकर के आई है और आपको कुछ देकर जाएगी। तो अगर आप कल अस्वास्थ्य ठीक है तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिएगा, स्नान करके सूर्य को अर्घ दीजिएगा और अपने घर में बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करिएगा। हल्दी की गांठ, सोना और धार्मिक पुस्तकें ये किसी धर्मस्थान में दान करिएगा और कार्तिक पूर्णिमा पर सुख समृद्धि के लिए विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करिएगा। अगर आप विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आपको एक छोटा सा मंत्र बताता हूँ, नोट करिए। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। अगर इस मंत्र का आपने 108 पाठ कर लिया तो जग जीत लिया आपने, ये मान के चलो। और अगर रोज आप 108 बार इस मंत्र का सुबह शाम पाठ करते हैं तो हर समय आप पाप ताप से मुक्त रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी के मंदिर में इत्र का दान करें, विष्णु मंदिर में नारियल पर स्वास्तिक लिखकर उसे अर्पित करें और गुलाब जल में चंदन मिलाकर भगवान विष्णु का तिलक करें। कार्तिक पूर्णिमा पर नया काम शुरू करना या पैसों से जुड़े फैसला लेना आपके लिए शुभकारी होगा। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को खिला हुआ कमल का फूल जरूर अर्पित करें। जय माँ विंध्यवासिनी। और अगर कमल का फूल नहीं मिलता है तो एक अंजुली बना लीजिए, ऐसे हाथ बना लीजिए, आँख बंद करिए और कमल के फूल की कल्पना करिए कि आपके हाथ में एक सुवर्णमय कमल का फूल है और भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में इसे आप समर्पित कर रहे हैं। ओम जगे न यज्ञमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानं सजंत्रयत्र पूर्वे साध्या संति देवा। बस पुष्प चढ़ा दीजिए, मानसिक पुष्प से ज़्यादा क्या चढ़ाओगे यार। आप एक बात समझ लो, भगवान भावग्राही हैं, क्रियाग्राही नहीं हैं। भगवान भावग्राही हैं, क्रियाग्राही नहीं हैं। और भगवान को वस्तु से प्यार नहीं है, उन्हें भाव से प्यार है। अगर वस्तु से प्यार होता तो दुर्योधन का 56 प्रकार का भोजन पे लात न मारते और विदुरानी के केले के छिलके न खाते, सबरी के जूठे बैर न खाते। संत महात्मा खड़े होकर टकटकी लगा के देख रहे थे कि प्रभु मेरे घर भी आएंगे, लेकिन वो सीधे सबरी के घर का पता पूछते हुए गए, जिस सबरी का रोज तिरस्कार होता था उस सबरी के यहाँ खुद गए और सबरी ने चख चख करके बैर रखा था कौन कौन सी मीठी है उसको खिलाऊंगी और उन्होंने उसको खाया। तो प्रभु भाव के भूखे हैं, आपके पास सामर्थ्य ज़्यादा है या कम, लेकिन आपका भाव का सामर्थ्य कंजूस नहीं होना चाहिए, भाव आपका बड़ा होना चाहिए, उसी से प्रभु प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना, निर्मल जन मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भाई अब इससे बड़ी बात क्या कहेंगे, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आपको भी चाहिए कि किसी तरह का कपट छल छिद्र का त्याग करके आप अपना जीवन जिए और भगवान श्री हरि विष्णु की शरणागति लें, निश्चित रूप से ये जीवन भी अच्छा होगा, आगे परमार्थिक जीवन भी अच्छा होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो कल कार्तिक पूर्णिमा पर मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोग कौन से उपाय करें जिससे इनके दुख, दरिद्रता और तकलीफें दूर हो जाएं, ये आपको बताएंगे सुरेश पांडे जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए कालचक्र। Mm-hmm.
राजस्थान में 199 सीटों पर मतदान हुआ है। प्रदेश में बंपर वोटिंग हुई है। 1862 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 3 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के 200 में से 199 सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रदेश में 74% वोटिंग हुई है। 199 सीटों पर 51,890 मतदान केंद्रों पर आमतौर पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न हो गया है। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि शनिवार शाम 5 बजे तक प्रदेश में अंतिम रूप से 68.24% मतदान, शाम 6 बजे तक भी कई स्थानों पर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी थी। चुनाव आयोग के मुताबिक फॉर्म 17A की जांच के बाद आज मिल सकेगा अंतिम मतदान प्रतिशत के आंकड़े। रात 12 बजे तक 74% मतदान दर्ज किया गया। मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। यहां की जनता बीजेपी को लाने का मन बना चुकी है। जोटवाड़ा में राज्यवर्धन सिंह धरने पर बैठे फर्जी वोटिंग के खिलाफ मतदान केंद्र पर जताया विरोध। प्रशासन पर लगा फर्जी मतदान करवाने का आरोप। मतदान के दिन अशोक गहलोत का बयान। राज्य में हर हाल में रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार। 2030 के लिए हमारा एजेंडा साफ। जनता का प्यार और आशीर्वाद हम जीत चुके हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, पिछले 5 साल में राजस्थान में कोई काम नहीं हुआ। राज्य में कानून व्यवस्था बेहाल, महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा। बीजेपी उम्मीदवार दिया कुमारी ने कहा कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। पूरा माहौल बीजेपी के पक्ष में। सरकार में यहां की जनता पूरी तरह से परेशान हुई है। सचिन पायलट ने कहा, 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। महंगाई कितनी बढ़ी है जनता देख रही है। इन सबका फायदा हमारी पार्टी को मिलेगा। तेलंगाना में चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव को नोटिस जारी किया। केटी रामाराव को आज जवाब देने का समय दिया गया है। आयोग ने दोपहर 3 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। जवाब ना देने पर कार्रवाई होगी। कि नोटिस उन्हें हाल ही में टी वर्क्स में नौकरी की भर्ती की उनकी घोषणा के संबंध में जारी किया गया है। रामा राव पर एक सरकारी ऑफिस में चुनाव प्रचार करने का आरोप है। वहीं चुनाव आयोग ने सीएम केसीआर को एडवाइजरी जारी कर आचार संहिता का पालन करने को कहा। केसीआर ने कांग्रेस नेता के खिलाफ धमकी भरी टिप्पणी की थी। अंतिम चुनावी राज्य तेलंगाना में पार्टी ने झोंकी ताकत। आज प्रधानमंत्री मोदी के तेलंगाना दौरे का दूसरा दिन। हैदराबाद में कहा, शांति वनन का दौरा करेंगे। यह मोदी आज दोपहर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को कल कार्तिक पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने चाहिए और क्या दान करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। देखिए, कल कार्तिक पूर्णिमा है और आपकी मकर राशि है, तो आपको तो जरूर चाहिए कि आप एकदम प्रातः स्नान कर लीजिए और एक मुट्ठी चावल दूध में धो करके उसे ऐसी जगह पर प्रवाहित करिए जहाँ छोटी छोटी मछलियाँ रहती हों। गुलाब की खुशबू वाली धूप लक्ष्मी मंदिर में अर्पित करिए और चंद्रोदय के समय चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिए। सूर्यास्त के बाद श्री यंत्र की पूजा, अगर घर में श्री यंत्र है तो उसकी विधिवत पूजा कल करनी है आपको। मतलब आवाहन, आसन, पाद्य अर्घ, आचमनी वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन और आरती, इतना विधान करिएगा श्री यंत्र की पूजा का। और अगर कोई बहुत विशेष मनोकामना आपके मन में हो तो श्री यंत्र को दाहिने हाथ पर रख करके 5 बार बोलिएगा, हे यंत्रराज मेरे अमुक मनोकामना को पूर्ण कीजिए। 5 बार बोलिएगा, देखिएगा कैसे चमत्कार होता है। पीपल के पेड़ की जड़ में जल और दूध मिलाकर अर्पित कीजिएगा और कार्तिक पूर्णिमा पर मकर राशि के जातकों को आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है और नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। कल तुलसी में दिया जरूर जलाइएगा और विष्णु सहस्र नामावली का हो सके तो पाठ करिएगा, नहीं तो राम रक्षा स्त्रोत का पाठ जरूर करिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी।
तो कल कार्तिक पूर्णिमा पर क्या दान करने से और कौन से उपाय करने से साल भर कुंभ राशि वालों के जीवन में सुख संपन्नता बनी रहेगी, आइए जानते हैं। देखिए कुंभ राशि में तो शनिदेव इस समय स्वयं विचरण कर रहे हैं भैया, ठीक है, और मेष राशि में बृहस्पति हैं। कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातक स्नान दान करके नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं। अपने कार्य क्षेत्र में एक दक्षिणावर्ती शंख अगर नहीं है तो अब उसको स्थापित कर लें और चंद्रमा को अखंडित चावल से रात में अर्घ दें। काले तिल, जूते, कंबल किसी जरूरतमंद को दान करें। खीर में केसर डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। तो इस तरह से अगर आप उपाय करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे आज के कुंडली विजेता हैं दिल्ली के रहने वाले नवीन चंद्र पांडे, जिन्होंने हमें ईमेल करके अपने बेटे की सेहत और फ्यूचर के बारे में जानना चाहा है। उनकी डिटेल्स पंडित जी मैं आपको बता दूं, नाम है ललित पांडे और इनकी जन्म तिथि है 12 जून 2007 और टाइम ऑफ बर्थ यानी जन्म का जो समय है दोपहर 1 बजे और प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म की जगह देश की राजधानी दिल्ली। और ये प्रश्न जो उन्होंने किया है वो भी आपको बता दूं पंडित जी कि मेरे बेटे की पीठ में बहुत दर्द रहता है, डॉक्टर को दिखाने पर नसों से जुड़ी समस्याएं बताई गई हैं, दवाइयां चल रही हैं, कृपया पंडित जी कोई उपाय बताएं, खाना ठीक से नहीं खाता है, कमज़ोर रहता है, एनर्जी कम रहती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई उपाय बताएं। देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ललित की कुंडली जो है कन्या लग्न की है और ललित की राशि मेष राशि है और ललित के सातवें स्थान में मंगल है। एक तो आपका बेटा मांगलिक है ये बात आप समझ के रखिएगा, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि हो गई है इसलिए ये मंगल दोष अगर कोई कहे भी तो ये मंगल दोष खत्म हो गया है, इस बात को जान लीजिए। जहाँ तक इसके बीमारी का प्रश्न है तो इसके रोग भाव का स्वामी शनि अपने भाव से छठे भाव में शुक्र के साथ हो गया है, जिसके कारण इसके नसों में बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है और दर्द की स्थिति बनती है। अगर आप शनि के वैदिक मंत्र का 1,02,015 ब्राह्मणों द्वारा मंत्र जप करवा लें और हवन तर्पण मार्जन करवा लें और ये उपाय 4 बार 6-6 महीने पर करवा लें तो आपका बेटा पूरे जीवन के लिए निरोग हो जाएगा और थोड़ी सी भी दवाई उसके लिए रामबाण जैसा काम करेगी। और हो सके तो 0.5 किलो सरसों का तेल, 1 किलो काली उड़द की दाल और 1-1 रुपए के 8 सिक्के ये तीनों चीज़ व्यवस्थित करके शनिवार को बेटे के हाथ से किसी शनि मंदिर में रखवा दीजिए। ये भी उपाय 7 शनिवार कर दीजिए, निश्चित रूप से उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी। जहाँ तक खाने का प्रश्न है तो देखिए शुक्र शनि की युति बनी हुई है, इसके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है तो खाने में ये जरूर नाटक करता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसको पेय पदार्थ ज़्यादा देने की कोशिश करिए, जैसे दूध, फ्रूट जूस, ये सब चीज़ें ज़्यादा देने की कोशिश करिए तो धीरे धीरे इसकी भोजन की स्थिति ठीक हो जाएगी। अभी सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य इसका व्ययस है, व्ययस होकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है, व्ययस भाग्य भाव में बैठता है तो पिता के जीवन में भी संघर्ष बढ़ जाता है। तो कुल मिला करके इसको कहिए कि सुबह उठ करके ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लिया करें और सूर्य को जल दे दिया करें तो इससे सूर्य भी ठीक हो जाएगा और जीवन भी ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी हमारे लकी कॉलर को भी ले लेते हैं, गौरव हैं उदयपुर से, वो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। गौरव सवाल पूछो। नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मैं गौरव माथुर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1987, जन्म स्थान उदयपुर राजस्थान जी। मैं अभी मुंबई जॉब कर रहा हूँ, मैंने दो तीन साल पहले अभी उदयपुर राजस्थान में घर लिया था बट वो सेम जॉब में मैं यहाँ पर उदयपुर आना पड़ा मेरे को कॉर्पोरेट ऑफिस चेंज होने की वजह से। नाउ अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ क्योंकि दो दो घर चलाना पड़ रहा है, न्यू जॉब के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ इधर से उधर और उदयपुर वापस बैक भी जाना चाह रहा हूँ पर नहीं हो पा रहा है। देखिए ऐसा है, आपने प्रश्न किया है तो मैं आपको बता दूं कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति, सप्तम भाव का स्वामी सूर्य। बृहस्पति और सूर्य की स्थिति इस समय सदाष्टक योग की है, परस्पर छठे आठवें हैं, जो इस बात का संकेत है कभी वर्तमान समय आपका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, आगे आने वाला भविष्य भी अभी आपका ठीक नहीं है। अप्रैल के महीने के बाद से आपका समय बदलेगा और आपकी समस्याओं का समाधान होगा,
लेकिन तब तक आपको चाहिए कि नित्य आप सूर्य को जल दिया करें और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप किया करें और किसी प्रकार का तामसी भोजन सेवन बिल्कुल ना करें। किसी प्रकार के तामसी भोजन को, किसी प्रकार के हिंसा से प्राप्त हुए भोजन को आप बिल्कुल त्याग दें। अगर आप अपना भाग्योदय चाहते हैं तो किसी प्रकार का तामसी भोजन आप ना करें। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ बढ़ें, मेरे प्रोड्यूसर दीपक बार बार कह रहे हैं समय की कमी, लेकिन एक छोटा सा सवाल। अभी एक कॉलर आए, उन्होंने नौकरी को लेकर सवाल किया, उससे पहले एक माँ आई जिन्होंने अपने बेटे को कि बीमारी है, तो सवाल ये पंडित जी कि विवेक और भक्ति, विवेक यानी कि हम डॉक्टर के पास कब जाएं, कब तक जाएं, नौकरी को लेकर हम कितनी कोशिशें करें, ये हमारी बुद्धि के फैसले हैं, और दूसरा कि ईश्वर से हम क्या मांगे, हम भक्ति की तरफ, तो ये संतुलन कैसे बने, कैसे व्यक्ति पता करे। देखिए भाई, अर्थार्थ जिज्ञासु आर्ताच ज्ञानी, चार प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। एक पैसा मांगने वाले भक्त होते हैं, एक जिज्ञासु भक्त होते हैं, भगवान में क्या ताकत है इसको जानना चाहते हैं, और एक आर्त होते हैं जो विपत्ति में यहाँ तक फंसे होते हैं, त्राहिमाम बचा लो प्रभु, और एक दानी एक ज्ञानी होते हैं जो उनको प्रिय हैं। तो चार प्रकार के भक्त हैं, चार प्रकार की मनोकामना है, इसमें कोई नई बात तो आप पूछ नहीं रहे हैं। जिसकी जो मनोकामना होती है प्रभु सबको सब कुछ देते हैं, जो प्रभु से जो मांगता है, जो भक्ति मांगता है उसको भक्ति देते हैं, और जो धन मांगता है उसको धन देते हैं, जो जो मांगता है वो देते हैं। यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्, जो कल्पना करता है वो सब वो देते हैं, देने में सामर्थ्यवान है। तो मंगल भवन है ना, लक्ष्मी उनका पैर सहलाती हैं, लेकिन वो लक्ष्मी की तरफ कम देखते हैं, अपने भक्तों की तरफ ज़्यादा देखते हैं। वो मंगल भवन है, अमंगल कैसे होगा। तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो तो उसको पूरा वो कर ही देंगे, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। ठीक, तो कल कार्तिक पूर्णिमा पर मीन राशि वाले लोग कौन से उपाय करें जिससे इनके दुख, दरिद्रता, तकलीफें दूर हो जाएंगी, ये आपको हम बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए कालचक्र। राजस्थान में 199 सीटों पर मतदान हुआ है, प्रदेश में बंपर वोटिंग हुई है, 1862 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, 3 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के 200 में से 199 सीटों पर मतदान हुआ, चुनाव आयोग के मुताबिक प्रदेश में 74% वोटिंग हुई है। 199 सीटों पर 51,890 मतदान केंद्रों पर आमतौर पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न हो गया है, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि शनिवार शाम 5 बजे तक प्रदेश में अंतिम रूप से 68.24% मतदान, शाम 6 बजे तक भी कई स्थानों पर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी थी। चुनाव आयोग के मुताबिक फॉर्म 17A की जांच के बाद आज मिल सकेगा अंतिम मतदान प्रतिशत के आंकड़े, रात 12 बजे तक 74% मतदान दर्ज किया गया। मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही, यहां की जनता बीजेपी को लाने का मन बना चुकी है। जोटवाड़ा में राज्यवर्धन सिंह धरने पर बैठे फर्जी वोटिंग के खिलाफ मतदान केंद्र पर जताया विरोध, प्रशासन पर लगा फर्जी मतदान करवाने का आरोप। मतदान के दिन अशोक गहलोत का बयान, राज्य में हर हाल में रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार, 2030 के लिए हमारा एजेंडा साफ, जनता का प्यार और आशीर्वाद, हम जीत चुके हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा पिछले 5 साल में राजस्थान में कोई काम नहीं हुआ, राज्य में कानून व्यवस्था बेहाल, महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा। बीजेपी उम्मीदवार दिया कुमारी ने कहा कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, पूरा माहौल बीजेपी के पक्ष में, सरकार में यहां की जनता पूरी तरह से परेशान हुई है। सचिन पायलट ने कहा 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, महंगाई कितनी बड़ी है जनता देख रही है, इन सबका फायदा हमारी पार्टी को मिलेगा। तेलंगाना में चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव को नोटिस जारी किया, केटी रामाराव को आज जवाब देने का समय दिया गया है, आयोग ने दोपहर 3 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है, जवाब ना देने पर कार्रवाई होगी। ये नोटिस उन्हें हाल ही में टी वर्क्स में नौकरी की भर्ती की उनकी घोषणा के संबंध में जारी किया गया है।
रामा राव पर एक सरकारी ऑफिस में चुनाव प्रचार करने का आरोप है। वहीं चुनाव आयोग ने सीएम केसीआर को एडवाइजरी जारी कर आचार संहिता का पालन करने को कहा। केसीआर ने कांग्रेस नेता के खिलाफ धमकी भरी टिप्पणी की थी। अंतिम चुनावी राज्य तेलंगाना में पार्टी जो की ताकत, आज प्रधानमंत्री मोदी के तेलंगाना दौरे का दूसरा दिन, हैदराबाद में कहा शांति वनन का दौरा करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर उपरान में जनसभा करेंगे और उसके बाद निर्मल में पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। कल पीएम मोदी श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नारायणपेट, मुलगू, घुवनागिरी और शाम को कुक्कुटपल्ली में जनसभा करेंगे। केसीआर के गढ़ में राहुल गांधी ने भरी हुंकार का, सबसे ज्यादा पैसा केसीआर के परिवार के पास, पैसा बनाने वाले सारे मंत्रालय केसीआर के पास। बीजेपी ने राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। सोशल मीडिया अकाउंट को सस्पेंड करने की मांग की गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने तेलंगाना दौरे के दौरान डांस किया। प्रियंका गांधी रोड शो कर रही थी, इसी दौरान उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ डांस किया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी दिग्गजों का तूफानी प्रचार। गृहमंत्री अमित शाह ने पाटन चेदू में जनसभा की, खैरताबाद में रोड शो किया। नड्डा ने सिकंदराबाद, मशीदाबाद में रोड शो किया। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के चार दोषियों को उम्र कैद की सजा, दिल्ली के साकेत कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। 2008 में गोली मारकर हत्या की गई थी। रवि कपूर, अमित शुक्ल, बलबीर मलिक और अजय कुमार मर्डर केस में दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने एक अन्य दोषी को 3 साल की सजा सुनाई, लेकिन उसकी सजा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। कल कार्तिक पूर्णिमा पर मीन राशि वालों को वो कौन से उपाय करने हैं जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं पंडित जी से। आपकी अगर मीन राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके धन भाव में इस समय आपका राशि स्वामी बृहस्पति गोचर कर रहा है और कार्तिक पूर्णिमा पर बृहस्पति की स्थिति आपके द्वितीय भाव में है। तो आप एक तो स्नान ध्यान करिए, पूजा पाठ करिए और वैदिक ब्राह्मणों को हो सके तो अपने घर सत्कार से बुलाकर उन्हें भोजन कराइए, कुछ दक्षिणा दीजिए, गंगा जल पानी में मिला करके स्नान करिए अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, और केसर दूध में मिला करके भगवान विष्णु का अभिषेक करिए। दक्षिणावर्ती शंख में केसर भर लीजिए और लड्डू गोपाल आपके पास हैं या श्री कृष्ण का विग्रह है या प्रभु श्री राम का विग्रह है तो बस दक्षिणावर्ती शंख से ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्र वासा भूमि सर्वता, इस तरह से 16 मंत्रों से अभिषेक कर दीजिए और पीपल के पेड़ में कच्चा दूध और पानी मिला करके समर्पित कर दीजिए। भगवान विष्णु को गोपी चंदन अर्पित करिए, बस बात इतने से ही बन जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। छोटा सा पंडित जी आपसे जवाब चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी राशि का ही नहीं पता है, कंफ्यूज रहते हैं कि नाम राशि जन्म राशि, जिनको नहीं पता है वो क्या करें इस मौके पर? उन सभी लोगों को चाहिए जिनको अपनी राशि पता है या नहीं पता है, सभी लोग कल प्रातःकाल अगर पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो ऐसे लोगों को अपने घर में ही सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए और सूर्यादि ग्रहों की पूजा कर लेनी चाहिए, अर्घ दे देना चाहिए, लक्ष्मी विष्णु की पूजा करनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, गुरुजन अगर नज़दीक नहीं है तो दूर ही टेलीफोन पर ही प्रणाम कर लेना चाहिए और अपने गुरुजनों के प्रति अपने मन में श्रद्धा का भाव अगर कहीं से कुतर्क कमजोर कर रहा है तो उसे श्रद्धा का भाव और मजबूत करना चाहिए, यही करना चाहिए जिनको अपने राशि का पता नहीं है उनको। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए बंपर वोटिंग रात 12 बजे तक 74.13% मतदान। वोटिंग के इस आंकड़े ने पिछले चुनाव का तोड़ा रिकॉर्ड। अंतिम चुनावी राज्य तेलंगाना में पार्टियों ने झोंकी ताकत। आज पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे का दूसरा दिन, 2 पब्लिक रैलियों करेंगे संबोधित। कल तिरुमाला मंदिर में करेंगे दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे होगा 107वें एपिसोड का प्रसारण। देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। उत्तरकाशी टनल में फिर से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। सुरंग के ऊपर से शुरू हुई वर्टिकल ड्रिलिंग, 90 मीटर तक होनी है खुदाई। 14 दिन से फंसे हैं 41 मजदूर। और कोच्चि के साइंस यूनिवर्सिटी में बड़ा हादसा। म्यूजिक कंसर्ट के दौरान मची भगदड़, 4 की मौत, 41 लोग घायल। अचानक आई बारिश से बचने के कारण हादसा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि केशकांति एडवांस। नए बालू गाए, बालू को झड़ने व समय सफेद होने से बचाएं। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। पतंजलि गाय का घी माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा। ब्लूज एंड गोल्ड लाइन बाथरूम फॉसेट्स, द अफोर्डेबल लग्जरी। और 10 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, राजस्थान में 199 विधानसभा क्षेत्रों के 51,890 मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस बार चुनाव में बंपर वोटिंग हुई है। 74.13% मतदान के साथ पिछले चुनाव का रिकॉर्ड भी टूटा। कल शाम 6 बजे तक भी कई स्थानों पर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कई पोलिंग बूथों पर गणना कर फॉर्म 17